आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हैंड या कहीं बॉडी पे टैटू बनाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं विद ब्यूटी के साथ साथ। तो आप देख सकते हो इस टाइम मेरा फ़ोटो कैसा है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो फ़ोटो को पहले क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद इस पर करेंगे टैटू एडिटिंग। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही फ़ोटो को B612 ऐप में इंटर कर लेना है। B612 ऐप में इंटर करने के बाद यहाँ पे कोने में लेफ्ट साइड में जो ब्यूटी का ऑप्शन दिखाई देता है आपको उस पर कर देना है क्लिक। तो चलो करते हैं। तो चलो कर दिया मैंने क्लिक। अब उसके बाद आपको ये जो है इस तरफ लेफ्ट साइड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते वॉल्यूम और टच अप के बीच में जो पेंट का ऑप्शन है उसे आपको चूज कर लेना है। तो मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने हैं। कलर सेलेक्ट करने हैं आपके फेस पे कौन सा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैं तो अपने फेस के हिसाब से हमेशा एनी टाइम लेता हूँ, तो अब की बार मैं ये वाइट वाला लूँगा। तो वाइट वाला लेने के बाद जो है हम उसका ऑपेसिटी कम करेंगे। जो कलर होता है पहले साइज फुल कर लेते हैं, ऑपेसिटी बाद में कर लेंगे। तो साइज फुल किया मैंने। अब बात रही ऑपेसिटी की, तो ऑपेसिटी को हम इसलिए कम करेंगे क्योंकि ये फुल पे देखो कितना कर देती है, देखिएगा ये कितना कलर कर देती है फुल पे। तो इसलिए इसे अंडो करेंगे। तो इधर इस वाले आइकन से होगा ऑपेसिटी के जो ऊपर है उससे होगा अंडो। तो ये कर दिया अंडो। तो उसके बाद आपको जो करना है ऑपेसिटी करना है 30 के बीच में। ये देखिएगा मेरा फ़ोटो की जो क्वालिटी है बिल्कुल क्लोजली खींचा गया है, तो फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिएगा हम कितना भी जूम करें बट उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए आपको फ़ोटो के हिसाब से रखनी। तो इसमें हम रखेंगे 20-15 नहीं रख सकते इसमें क्योंकि हमारा फ़ोटो काफ़ी क्लोज से सेल्फ किया गया है। तो उसके बाद जो हमें ब्रश चलाना है, तो ब्रश चलाने के पहले आपको फ़ोटो सेटलमेंट कर लेना है। तो मैंने सेटलमेंट कर लिया। उसके बाद जो है आपको ब्रश चलाना है। तो ब्रश चलाते जाइएगा ऐसी जगह कोई ना रहे जहाँ पे खाली रह जाए। उसके बाद थोड़ा ऐसा करके अलग तरीके से चलाना है इसलिए कोई जगह खाली ना रहे, लेकिन फिर भी जगह खाली रह ही जाती है। तो देखिएगा ये जो बीच बीच में दिखाई दे रही है ये जगह खाली रह गई थी। तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे चलाइए जैसे कोई जगह खाली ना रहे। अब उसके बाद जो है आपको इस साइड टिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो ग्लिचर के और स्किन टोन के बीच में है जो टिंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे टिंट पे क्लिक करोगे तो सेम स्किन टोन का कॉपी करना है, इसे कर देना है 20 और साइज फुल कर देना, ओपेसिटी 20 रखना। उसके बाद आपको जो है कलर चूज करना है। तो कलर सबसे नीचे स्क्रॉल करना, वाइट वाला कलर जो बॉडी पे फेस पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है। तो चलिएगा वाइट वाला ले लिया मैंने। तो वाइट वाला लेने के बाद आपको वही करना है जो अभी किया था, सेम उसी का कॉपी करना है। जैसा आपने स्किन टोन पे किया था वैसा ही आपको टिंट पे भी करना है। तो चलिएगा टिंट फिलहाल फुल होने वाला है, तो फुल हो गया। अब जो है यहाँ से इतना काम डन हो चुका है। तो इतना काम डन हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ से राइट वाला ऑप्शन ये साइड में दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे वाले कोने में, तो उस पर आपको कर देना डन। तो मैंने डन कर दिया है। डन करने के बाद जो है आपको पेंट के बिल्कुल जस्ट साइड में लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा टचअप पे आपको कर देना है क्लिक। टचअप पे क्लिक करने के बाद जो अप्लाई आपको 2-3 बार करना है। मेरा फोटो क्लोज है तो देखिएगा यहाँ पे ऑन पे लाइन भी हो सकती है अगर हमने 3 बार कर दिया, तो उसे देख के ही हम करेंगे टचअप। पहली बार हम करते हैं अप्लाई, तो अप्लाई कर दिया मैंने। एक बार फिर से यही काम करेंगे। तो प्रोसेसिंग चल रहा है, चलने दीजिएगा इसे। जब तक फुल हो जाता है आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जिसे एडिटिंग सीखनी उसके पास तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो आप टचअप फिर से एक बार अप्लाई करिए। तो टचअप फिर से एक बार अप्लाई कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं हॉट पे लाइंस आ रही है बट उतनी नहीं आ रही है। तो देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी लाइन आ सकती है, तो आप वैसी लाइन ना आप बिल्कुल हटा ना सकते हैं उसे। और मैं तो पुराना एडिटर हूँ तो मैं तो हटा दूंगा बट आप नहीं हटा पाओगे। तो जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है मैं आपको बता दिए। अब देखिएगा एक बार और करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये देखिए ये
ये जो व्हाइट व्हाइट ऊपर वाले लिप्स पे जो आ रही है लकीर, ये बहुत बेकार है, यही ज़्यादा बढ़ती जाएगी अगर आप जितने बार ये अप्लाई करोगे। तो मैंने 2 बार कर लिया, उसके बाद जो है आपको स्किन पे क्लिक कर देना है। ये जो है ब्लेमिश के साइड में स्किन है, उस पर कर देना आपको क्लिक। तो क्लिक करने के बाद ये जो है आपको लगभग 20 रखना है, 20 कर देते हो तो देखिएगा, अभी हमारा फोटो फट रहा था लेकिन अब नहीं फट रहा है। तो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इससे, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इससे ये इफेक्ट पड़ता है, तो फोटो जो है स्मूथ हो जाता है। तो हम इसे 20 ही रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे वो भी ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे और भी एडिटिंग होगी, तभी जाके फोटो प्रोफेशनल और एकदम ज़बरदस्त HD क्वालिटी में बनता है। तो यहाँ से हमने 20 कर दिया। अब जो ये है पोरे, या मतलब ये मैं भाई बोल नहीं पाता हूँ, ये जो भी हो मेरे समझ में नहीं आता है, तो इसे आपको करना है 20, सेम इसी के कॉपी कर देना है। तो इसे भी 20 कर दिया। उसके बाद जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी आपको कर देना फुल हाई कर देना क्लैरिटी। तो ये मैंने फुल हाई कर दिया। उसके बाद जो है ये टेक्स्चर वाले और ये ऑप्शन छोड़ के दोनों, ये है जो ब्राइटन, ये अप्लाई करना है। तो इसे कर देना है, इसे चेहरे के हिसाब से देखते हैं हम चेहरे पे कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 30 अच्छा लग रहा है, लेकिन हम 30 नहीं रखेंगे। इस पर जो हमें करना है 25 कर देना है, क्योंकि अभी आगे और भी अच्छा लगेगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है। तो इसे 25 भी नहीं, ओनली 20 ही रखो। मैंने 20 कर दिया। यहाँ से अब आपको है जो रिंकलेस आपको कर देना फुल। उसके बाद जो है डिटेल्स मैंने आपको कई बार बताया, ये आई जो है उसे वाइट चमका देती है। तो मैं आज आपको आई जो है चमका के दिखाऊंगा। तो डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना, उसे 40 रखना है, 40 कर देते हैं। देखिएगा इतना चमक गया, अगर आप इसे फुल करेंगे तो कैसा हो जाएगा। ये देखिए जो वाइट ये होता है ये, तो ये ज़्यादा चमक जाता है, ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसे आपको कर देना 40, ताकि लिमिट में रहे। तो मैं 40 कर दे रहा हूँ, और आपको भी बिल्कुल मेरे ही जैसा करना है। बट अगर आपका फ़ोटो चेंज है, दूर से सेल्फ किया गया, तो उसमें आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आँखें कम चमक रही हैं तो उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है आईबैग्स की, आईबैग्स को आपको कर देना फुल। ये जो होता है ये आँखों के नीचे जो ये जो सिमटा हुआ आ रहा है, इसे कर देता है ये अच्छा। तो आईबैग्स मैंने कर दिया, उतना फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ा है, आप लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा। तो देखिएगा इससे क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे, इससे आपको अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। तो चलिए अब जो ये है V10 को भी आपको फुल कर देना। इसका तो मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता ये कुछ भी काम करता है, करता अच्छा है। तो इसे आपको कर देना फुल, मैं एनी टाइम इसे फुल ही रखता हूँ। तो यहाँ का काम जो है हो चुका है ख़त्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से भी डन कर देना है। तो मैंने यहाँ से भी डन कर दिया। अब जो है आपको करना है अपना मेकअप। तो मेकअप वाला ऑप्शन अभी इधर राइट साइड पे जो है स्क्रॉल करेंगे इसी चीज़ को, तो मेकअप का ऑप्शन दिखाई देगा, रैम्प वो है जो रेसेप के पास दिखाई देगा और स्किन टोन के बीच में। तो मेकअप पे क्लिक कर देते हैं हम। मेकअप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ओपन होगा, ओपन होने के बाद जैसे आपके में डेटा है तो जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता नहीं भी हो। तो उसके बाद जो आपको हेयर कलर अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे हेयर कलर नहीं चाहिए यहाँ से। तो देखिएगा हेयर कलर में काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो है, देखो ये वन साइड ब्लैक एंड पिंक दोनों आ रहा है, तो ये ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मुझे जो करना है वो है काउंटर ब्लश लिप कलर। तो मुझे लिप कलर यहाँ से चूज करना है। लिप कलर चूज करने के बाद अब आपको होंठ से मिलाना है, लिप से मैच करना है, कौन सा कलर आपके लिप्स पे मैच करेगा। तो यहाँ से चलते हैं, ये जो पीच है थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन ये हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसे मैंने कभी किया यूज, लेकिन उतना नहीं किया। तो मैं सबसे ज़्यादा पिंक वाला लगाता हूँ, क्योंकि पिंक वाले लड़कों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और लड़कियों के लिए रेड वाला बेटर होता है। तो आपको लगाना है पिंक वाला। तो पिंक वाला मैंने अप्लाई कर दिया। पिंक वाला अप्लाई करने के बाद जो इसकी लाइंस है वो कर देना 40 पे। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो लिप्स इनमें से आपको कोई नहीं चूज करना, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला ही अच्छा रहता है। अगर ये इनमें से आप कोई सा करते हो, सेकंड नंबर वाला करते हो, तो ये हाफ पे लेगा, लेकिन आपको फर्स्ट वाला ही रखना है। तो फर्स्ट वाला रखने के बाद जो है ये आप फुल कर दोगे तो देखिएगा काफ़ी हो जाएगा, इसलिए आपको 40 रखना है।
और फिर आपके फ़ोटो पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 40 या 50 रखता हूँ, तो यहाँ पे 45 कर दिया मैंने दोनों के बीच में, तो ज़्यादा लग रहा है 45, तो मुझे यहाँ पे 40 कर देना है। तो मैंने 40 कर दिया है। 40 करने के बाद जो है आपको अब इधर स्क्रॉल करना है। अब रही बात आँखों की, तो आँखें मैं अभी नहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, आई जो है उस वो भी चेंज करके दिखाएंगे। तो अब आपको है डबल आइड। डबल आइड भी काफ़ी काम की होती है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ब्यूटी मार्क ये भी मैं नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी ब्यूटी वैसे ही बढ़ चुकी है और भी बढ़ेगी। ये आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। अब करना आपको आईब्रोज यूज। ये जो आईब्रोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर कर देना क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे काफ़ी आईब्रोज आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन उनमें से आपको कौन सी यूज करना है ये मैं बताऊँगा। आपको यूज करना है इसमें से नेचुरल, फॉर्मर्ड, हैवी और आर्च और स्लिम, ये सब आ रही होंगी। तो आपको इनमें से जो चूज करना है वो आपकी आईब्रो देखना है। आईब्रो देखिए, मैच करिएगा। तो यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग में मोटी है और साइड से पतली है, तो ये है हैवी। हैवी को आप देख सकते हो, ये हैवी है, तो हैवी को कर देना है आपको क्लिक। और उसके बाद जो है आपको करना है इसका कलर बढ़ाना है। तो कलर बढ़ाने के बाद जितना अच्छा लगता है उतना कर दीजिए। मेरा 70 करेक्ट लग रहा है, तो मैं 70 ही रख दूंगा, लेकिन 70 मुझे थोड़ा फ़र्क लग रहा है, इसलिए मैं 60 कर दे रहा हूँ। 60 करने के बाद यहाँ से इतना काम हो चुका है, अब थोड़ा स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको आई शेडो जो होता है आँख के नीचे लाल कर देता है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये आँख के पास जो है लाल कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं यूज करना है। तो जो मुझे यूज करना है वो है इधर आईलाइनर। तो आईलाइनर को आपको कर लेना है सेलेक्ट। तो मैं आईलाइनर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आईलाइनर में काफ़ी आईलाइनर्स आ चुके हैं। तो नंबर एक है डाउन, नंबर टू है कैट वन, कैट टू और लाइट, सिंपल, सॉफ्ट, स्मूथ और विंग वन, विंग टू, विंग थ्री। तो आपको इनमें से कौन सा यूज करना है ये भी मैं बताऊँगा। तो आपको यूज करना है इनमें से लाइट वाला। लाइट वाला जो है मैंने कई बार आपको बताया, लड़कों के लिए और बाकी सब लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी ये ऐसे है, अगर आपको इसे लिमिट से यूज करना है तो लड़कों के लिए, अगर लिमिट पार कर देते हो तो ये भी लड़कियों के लिए बन जाता है। तो लड़कियों के लिए देखो मैं कैसे बता रहा हूँ क्यों है ये लड़कियों के लिए। तो आपको करना है बिंग्स थ्री। बिंग्स थ्री पे देखिएगा, लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, ऐसे ही करती हैं, तो ये लड़कियों के लिए हो गया। अब आपको जो है लाइट तो आपको लाइट पे ही क्लिक कर देना है। लाइट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको नॉर्मली जितना है उतना ही रखना है। अगर आप कम भी कर सकते हो, लेकिन जितना है उतना ही रखोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपका ज़्यादा लग रहा है तो बैक कर लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो है आपको आईलेस मतलब पलक, आँख के ऊपर जो बाल होते हैं उन्हें सेट करना है। तो आईलेस पे क्लिक करोगे तो आईलेस में भी वही रूल है जो लड़कियों और लड़कों के लिए। तो ये लड़कियों के लिए ये भी दिखाता हूँ मैं, लेस 7 आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये लड़कियों के लिए है या नहीं, तो ये लड़कियों के लिए है। तो आपको जो चूज करना है वो है लेस 3 या लेस 2। तो यहाँ पे लेस 3 काफ़ी अच्छा काम करता है। तो लेस 3 में आपको जो है लेस कितना कर देना है, लेस कर देना आपको 40 जो है करेक्ट लगेगा लड़कों को। तो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया 40। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, आपको कर देना आप डन। तो मैंने यहाँ से डन कर दिया, यहाँ इतना काम हो चुका फुल। अब आपको आना है थोड़ा स्क्रॉल करके, और अब जो है आपको अपनी आईब्रो करनी है सेट। जैसे पार्लर पे जाते हैं तो वो छील देते हैं थोड़ा बहुत और सेट हो जाती है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी सेट करना है। तो यहाँ पे जो अल्ट्रा क्लियर के साइड में, HD अल्ट्रा क्लियर के साइड में जो है फेस, तो आपको फेस पे कर देना है क्लिक। तो चलो फेस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आप काफ़ी एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से काफ़ी एडिटिंग नहीं करता। मैं यहाँ से जो है ओनली आईब्रो सेट करता हूँ। तो आईब्रो पे क्लिक करिए। आईब्रो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट थिकनेस, फर्स्ट नंबर दिखाई दे जाएगा। तो आप उसी पे जो ये लाइंस है इसे माइनस की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ फुल्ली माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सेट हो जाती है। तो इसे माइनस कर दोगे तो पतली हो जाएगी, अच्छी लगेगी। और जो ये हैं ये बहुत काम की हैं, ये बात को बताऊंगा मैं, बट अभी जो है हमारा यही काम करना है। तो चलो यहाँ से डन करते हैं। अभी थोड़ा और एक बार और फेस पे क्लिक करिए, और उसके बाद जो आईब्रो है उस पर एक बार और करो। तो यहाँ पे जो है थोड़ा माइनस करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा।
ओनली मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, तो अब अच्छी लग रही है। उसके बाद आपको यहाँ से कर देना डन। तो मेरे भाई यहाँ से तो हो चुका है काम फिनिश। तो अब जो है टैटू वो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट वीडियो में ना यहीं पे बना दे रहा, यहीं पे मैं बना देता हूँ। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। चलो तो इधर ये जो है अल्ट्रा क्लियर के साइड में जो ये एरो दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, उस पर कर देना है क्लिक। तो फिर हम आ चुके हैं बैक आ चुके हैं। तो ब्यूटी रिमूव क्रॉप फिल्टर्स फेस मेकअप और स्टिकर एंड टैक्स, तो आ गया है वो ऑप्शन जिससे हम टैटू छापेंगे, वो आ चुका है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्टिकर और इफेक्ट्स के बीच में जो टैक्स का जो ऑप्शन है उस पर आपको कर देना क्लिक, उसे चूज कर लेना। तो मैंने उसे कर लिया चूज। उसके बाद आप जो भी स्टिकर या टाइटल जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे बस वही दूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मान लो मुझे माँ अच्छा लगता है तो मैं माँ लिख दे रहा हूँ, माँ एंड 3 डॉट, तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो मैंने माँ लिख दिया यहाँ पे। माँ लिखने के बाद जो है हम यहाँ पे कर देते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी लैंग्वेज दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है और कौन सा टैटू भी बन जाता है उससे। तो पहले आपको करना है जो ये, तो पहले आपको जो करना है वो है इनमें से कलर चूज करें। तो कलर चूज जो है 4th नंबर पे है, जो 4वें नंबर पे है उसे आपको चूज कर लेना। उसे चूज करने के बाद जो है आपको कर देना उसे माइनस, लगभग आपको 80 रखना, 80 रखना है। अगर 80 भी थोड़ा कम अच्छा लग रहा हो तो आप 80 भी नहीं रख सकते हो, 70 भी कर देना। तो यहाँ पे चलो 75 कर देता हूँ, 75, तो मैंने 75 कर दिया। उसके बाद जो है स्टिकर, अब स्टिकर बनाने की बारी आती है। तो स्टिकर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लैंग्वेज है इन्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करते 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 आपको वो काफ़ी अच्छा वाला टाइटल एंड स्टिकर मिलेगा। तो ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी को भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसे नहीं करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो ये डेमियन है, ये भी अच्छा लगता है लेकिन मैं इसे भी अप्लाई नहीं करता हूँ। तो मैं अप्लाई करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो स्क्रॉल करते 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 यहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो आ रहा है, ये देखिएगा, ये जो है मैग्नोलिया है, ये भी अच्छा लगता है लेकिन मैं इसे अप्लाई नहीं करूँगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते 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 आने वाला है ये जो मिलॉर्ड है, ये भी अच्छा लगता है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं ओनली वही चलाता हूँ। तो आने वाला है अब ये जो आ गया, ये जो फॉन्ट का ऑप्शन है ये है वो, तो मुझे यही क्लिक कर देना है। ये आ चुका है, तो यही था वो। अब आपको क्या करना है, इसे करना एडजस्ट। तो ये कम हो चुका था तो इसे थोड़ा बढ़ा लेना है कलर्स का। तो मैंने बोला था जैसे आपको 80, तो 80 यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो 80 ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें 1 पॉइंट कम है, मैं 3 पॉइंट लगाता हूँ, तो मैंने 3 पॉइंट लगा दिए। अब जो है यहाँ पे इसको कर देना है जूम। जूम करने के बाद आपको कर देना है इसे एडजस्ट, जो सेटलमेंट इसका बना देना है। तो मैंने सेटलमेंट बनाया है, सेटलमेंट में बना रहा हूँ। तो इसे थोड़ा अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए क्या करना आपको, इसी हैंड पे अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसी पे कर सकते हो, अगर इस पे नहीं अच्छा लग रहा तो इधर भी कर सकते हो। तो चलिएगा मैंने इसी पे कर दिया, इस पे अच्छा तो लग रहा है लेकिन अगर हम इस पे लगाते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने इस पे लगा दिया, तो इस पे तो और भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसी पे लगाता हूँ, क्योंकि ये जो है हमेशा इसी हैंड्स पे अच्छा लगता है। मैंने कई बार और कई बार ये यूज किया है तो इसी पे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो ये 3 डॉट आ चुके हैं ये जो हैं इसी हैंड्स के ऊपर अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से लगा दिया है। तो देखिए आपको बिल्कुल नोकल नहीं लग रहा होगा, तो बिल्कुल ये लग रहा है ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल अभी और इसे ओरिजिनल बनाना है। तो आपको स्ट्रोक का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्ट्रोक पे आपको कर देना क्लिक। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कलर चूज करना है। कलर चूज करने के बाद जो है आपको थोड़ा रेड वाला लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रोक नहीं काम करेगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। तो आपको शैडो पे क्लिक करना है, शैडो पे क्लिक करने के बाद जो है आपको रेड के साइड में जो ऑप्शन है उसे करना है क्लिक। तो
तो ये अच्छा काम करेगा। ये क्या करना है आपको, इसे 50 है, इसे कर देना 50 के बहुत काफ़ी नीचे कर देना इसे, तो इसे कर देना है 1 कर देना, 1 ओनली 1 रखना है इसे। तो ये 1 नहीं हो रहा है, 1 होने में थोड़ा टाइम लगेगा, होगा तो, लेकिन डायरेक्टली ये 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 से स्टार्ट होता है, तो आप साइड वाला भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं यही हो। तो देखिए मैंने ये चूज किया, ये चूज किया, देखिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाला। ये वाला जो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ये सेलेक्ट कर लिया, अब आपको जो करना है वो डन, यहाँ से आपको डन कर देना है। और उसके बाद जो है आप दूसरे हैंड पे भी लगा सकते हो। तो जैसे हम दूसरे हैंड पे लगाएंगे तो उसके लिए मुझे फिर से टेक्स्ट पे ही जाना पड़ेगा, और अब हम लगाएंगे जो है काफ़ी ज़बरदस्त। तो यहाँ पे मैंने ये वाला लगा दिया है, अब जो है मुझे क्या यहाँ पे और कुछ भी टाइप करना पड़ेगा, और कुछ तो नहीं मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन चलो कर देता हूँ 3 डॉट इन्हें भी, चलो छोड़ो इन पे 3 डॉट अच्छा नहीं लगेगा। तो जो है मैंने ये जो हैंड्स चेंज है तो इस पे 3 डॉट अच्छा नहीं लगेगा। अब जो मैं अपने डैड के लिए है वो काफ़ी अच्छा वाला फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, तो गैलेक्सी डेमिनो डैड, हाँ डैड पे ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसे भी वही कलर देना है। तो देखिए इसे वही कलर देना है, हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है आपको, आपको लग रहा हो या ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है और ओरिजिनल भी लग रहा है। जितना माइनस जहाँ पे अच्छा लगे उतना ही माइनस करना, तो ये 50 पे बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, तो मैंने 50 कर दिया है। 50 करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, डेड के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो डेड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इमोजी दी जा सकती है या नहीं, नहीं इमोजी नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि इमोजी अच्छी नहीं लगेगी यहाँ पे। तो मान लो डेड तो मैंने ऑलरेडी दे ही रखा था, तो उसके बाद जो है 3 डॉट मजबूरन देना पड़ेगा, क्योंकि 3 डॉट से अच्छा लगेगा। हाँ तो 3 डॉट से अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसके आगे भी मैं 3 डॉट दे देता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने आगे भी 3 डॉट दे दिया है, तो अब अच्छा और लग रहा है। Thank you.